Hello students, today we are going to discuss magnetic field due to current carrying conductor. यानी एक current carrying conductor जो है, जिस conductor में current है वो magnet की तरह के behave करता है, उसकी वजह से magnetic field कितनी होगी ये हमको find out करना है. So as we are acquainted that the first one scientist that gave the concept of magnetic effect of electric current was Hans Christian Oersting. After him, two scientists, Bayer and Seward, performed many experiments, and after that they concluded a formula for magnetic field due to small current carrying element. And Hans Christian Oersting के बाद दो scientists Bayer और Seward ने बहुत सारे experiment किए और उन्होंने ये एक formula तैयार किया कि छोटा सा अगर element हो, छोटा सा current carrying element, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, और उससे उन्होंने फॉर्मूला फ्रेम अप किया. वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. सो हियर इज अ वायर ऑन व्हिच वी हैव टेकन अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा एल. ओके, इन दिस करंट आई इज फ्लोइंग एंड एट अ डिस्टेंस आर देयर इज अ पॉइंट पी एट एन एंगल थीटा एट व्हिच वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड. यानी एक वायर है जिसमें करंट आई है, उसमें हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसकी लेंथ डेल्टा है, और उस टुकड़े से थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस के एक पॉइंट पी लिया, जहां पे हमें ये पता करना है कि यहाँ पे इस छोटे से टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी. तो इस छोटे से टुकड़े की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम डेल्टा बी मान ले रहे हैं. अब वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है वो अब देखते हैं. सो द फर्स्ट वन फैक्टर ऑन व्हिच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन इट. यानी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उस छोटे से टुकड़े में जो करंट जा रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. सेकेंड वन पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट. यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो छोटे से टुकड़े की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. थर्ड वन, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. मींस जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो जो ये एंगल बन रहा है उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर. या इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द एलिमेंट. इन डेटा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ओके, आर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द करंट एलिमेंट. सो दीज फोर आर द रिलेशन ऑन अ कंक्लूजन वी कैन राइट दीज फोर इक्वेशन एज डेटा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेटा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. देयर आफ्टर द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज रिमूव्ड यूजिंग अ कॉन्स्टेंट. सो द कॉन्स्टेंट यूज्ड हियर इज म्यू नॉट अपॉन फोर पाई. दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इनटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट. एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एक्सटेंडेड वायर. ओके, सो डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. वी आर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -7. म्यू नॉट इज कॉल्ड परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. ओके, सो इन दिस वे वी हैव फ्रेम्ड अप एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट. ओके स्टूडेंट्स,
Now we are going to discuss how we are able to find out the direction of magnetic field at a particular point. यानी आप हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करें. तो उसके लिए आपको राइट हैंड लेना, अपना राइट हैंड को ऐसे रखना है. जो राइट हैंड पाम है उसको कैसे रखना है, थंब होना चाहिए जहां करंट जा रहा है तो करंट ऊपर जा रहा है, और फिंगर होनी चाहिए उस पॉइंट की तरफ. अब अपने फिंगर को अंदर घुमा पा रहा हूं यानी मैग्नेटिक फील्ड. अगर यही पे करंट नीचे हो रहा तो आपको थंब अपना नीचे करना होता है, ऐसे फिंगर हमेशा पॉइंट होता है, होगा बाहर ये था मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होती बाहर की तरफ दौड़ सकता. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये जैसे वहां से पूछे याद कर रहे मैग्नेटिक फील्ड का होगा, तो पहले तो थंब ऊपर की तरफ रख दिया, फिंगर पॉइंट की तरफ, पॉइंट ये अब बताइए आप फिंगर को कहां घुमा पा रहे, बाहर की तरफ, यानी यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो. अच्छा यहां देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का होगी तो थंब रखा ऊपर, देखिए फिंगर पॉइंट की तरफ कहां अंदर, अंदर यानी. ठीक है, जैसे इसको देखिए यहाँ पे ऐसे करंट है, यहाँ पे जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का होगा तो बाहर, क्योंकि अब करंट कहाँ है, यहाँ पे चले यहाँ पे किधर होगी तो अंदर. ठीक है, यानी थंब को आपको रखना है करंट की तरफ और फिंगर को रखना है पॉइंट की तरफ, फिर आपके फिंगर को जहां की तरफ मूव कर पाओगे वही हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. ओके, अब आते हैं जो हम लोग ने अभी फॉर्मुला पढ़ा उसी से हम ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं. जैसे ये कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग ने इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर ले रखा है, इनफाइनाइट लेंथ है, इसमें करंट कितना फ्लो रहा है आई, इससे आर डिस्टेंस में हमको एक पॉइंट दिया गया पी, वहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कितनी होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो कितनी होगी. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर. ठीक है, वेयर म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 न्यूटन पर एमपीयर स्क्वायर. ये क्या है, इसमें एक सर्कुलर क्वाइल है जिसकी रेडियस आर दी गई है. अभी इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, बी इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन आर. यहाँ पे आर क्या है, इस सर्कुलर क्वाइल की रेडियस. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आपने राइट हैंड लिया हमको ऐसे रखा पॉइंट पे रखा फिंगर्स को, अब बताइए कहां तो होगी यहां पे जाएगा. ठीक है, यहां पे देखिए यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर कहीं से भी नहीं दिया बाहर कहीं से भी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कहाँ होगी बाहर, यहाँ पे कहाँ होगी अंदर. इस तरीके हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये दो पर्टिकुलर केस हो गए जो गया इनफाइनाइट वायर और ये हो गया सर्कुलर. ठीक है, अगर यही पे बोलते हैं एन टर्न्स है उसमें, यानी वो एन टर्न्स वायर के लगा कर ये कॉइल बना गई तो इंक्रीमेंट कर दी. ठीक है, वो आपको ये चीज समझ आ गई होगी, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, थंब को रखेंगे करंट की तरफ, फिंगर्स को रखेंगे पॉइंट की तरफ, फिर आप जहां की तरफ फिंगर को मूव करा पाओ. फॉर एग्जाम्पल इसमें था भाई फिंगर अंदर की तरफ मूव करा पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहां पे भी अंदर की तरफ, यहां देखिए बाहर की तरफ, यानी इस तरफ होगी बाहर की तरफ और इस तरफ होगी अंदर की तरफ, ये वाले देखिए बाहर की तरफ, ये वाले देखिए अंदर की तरफ, ये वाले देखिए बाहर की तरफ, यानी इस तरीके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है और वो किस डायरेक्शन में है ये चीजें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. और आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ आ गई होगी. तो ये था बायो सेवर्ट लॉ जिसे हम लोग ने पहले फॉर्मूला बनाया. फॉर्मूला क्या था, डेटा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई डेटा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 बाई इंटेंस माइनस 7 मीटर पर एमपीयर स्क्वायर. देयर आफ्टर वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पेसिफिक एक्सप्रेशन फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर एंड सर्कुलर कॉइल. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.